हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ थ्री आइडेंटिकल लैंप्स कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द फिगर। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड देन द इंटेंसिटीज ऑफ लैंप ए एंड बी। देखिए यहाँ पर दो लैंप है, एक ए है दूसरा बी है और एक और है तीसरा सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं दैट कि जब हम लोग स्विच एस को बंद कर देंगे तो ए और बी का जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, विल इंक्रीज बाय मोर देन टू टाइम्स, विल रिमेन द सेम, क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक तो आपका इनिशियल डायग्राम और एक फाइनल डायग्राम। तो इनिशियल डायग्राम में देखिए कि जो स्विच है वो क्या है, तो ओपन है, स्विच जो है वो ओपन है, तो इसमें तो कोई करंट जाएगा नहीं। जो भी करंट यहाँ से, मान लीजिए पोटेंशियल वी है इसका, तो जो भी करंट यहाँ से निकलेगा वो इस बल्ब और इस बल्ब और इस बल्ब, ये तीनों में जाएगा, तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। तो तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो सारे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होगा। देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस ए का होगा वी अपॉन थ्री, बी का होगा वी अपॉन थ्री और सी का होगा वी अपॉन थ्री। क्यों? ताकि तीनों जो टोटल मिल करके पोटेंशियल हमारा जो बैटरी का है वो इसके इक्वल हो जाए, तो तीनों को हमने इक्वल बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा दैट कि पावर की बात करी गई है। क्यों पावर की बात करनी है हमें? बिकॉज इंटेंसिटी यहाँ पे चाहिए, पावर इंटेंसिटी रिलेटेड है, तो पावर की बात हम लोग करेंगे। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो एक फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं कि तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो रेजिस्टेंस सबके सेम होने की वजह से पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाइनली जब आप देखेंगे तो शुरुआत में अगर हम लोग का पावर मान लीजिए कि पी इनिशियल है, तो वोल्टेज जो है वो कितना है सबके अक्रॉस, ए बी सबके अक्रॉस वी अपॉन थ्री का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक और फाइनल डायग्राम देख लेते हैं। फाइनल डायग्राम हम लोग देखते हैं कैसा होगा। देखिए फाइनल डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा जो ये बल्ब है ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? देखिए हम बता रहे क्यों काम नहीं करेगा, इसलिए काम नहीं करेगा ना बिकॉज ये स्विच को हमने कर दिया है बंद। जब हमने इस स्विच को कर दिया है बंद तो सारा का सारा करंट जो है यहाँ से आने के बाद इधर से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस उस करंट को मिलेगा नहीं, इधर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ बल्ब लगा हुआ है ना, तो इस इधर करंट जाना प्रेफर नहीं करेगा, करंट उस तरफ से जाएगा जिधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब सेकेंड केस में हमारा जो एक्टिव बल्ब होगा ए और बी होगा, सी नहीं होगा। दैट मीन्स कि अब जो वोल्टेज होगी ए के अक्रॉस वी बाई टू और बी के अक्रॉस वी बाई टू, आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि टोटल वी है। तो अब बताइए कि जो पावर है फाइनल वाला, वो फाइनल पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी का जो वोल्टेज है, समझ गए। तो अब आप यहाँ पे पावर इनिशियल बाय पावर फाइनल अगर करेंगे तो इक्वल टू वी अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस वी अपॉन टू का स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4/9। तो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए था? फाइनल पावर। सो फाइनल पावर इक्वल्स टू 9/4 इंटू पी इनिशियल। अब 9/4 को आप क्या लिख सकते हो? 2.25 पावर इनिशियल। अब देखिए कि जो फाइनल पावर है वो आपका 2 पावर इनिशियल प्लस 0.25 पावर इनिशियल, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसके इक्वल है अगर, तो आप देख रहे हैं कि दोगुना से भी ज्यादा बढ़ गया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन। क्यों? विल इंक्रीज बाय मोर देन टू टाइम्स। आई होप दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू।